दोस्तों प्रदीप गिरी अकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन, मैं कम से कम टाइम में आपका ये रेक्टिफिकेशन टॉपिक ट्राई करूंगा कि कंप्लीट कर दूं। अब देखो यहाँ पे जिन्होंने कॉर्ड ट्रेसिंग का टॉपिक नहीं देखा होगा तो उन्हें कॉर्ड ड्रॉ करने नहीं आ रहा होगा। अगर जिन्हें जिन्होंने कॉर्ड ट्रेसिंग का अगर टॉपिक देखा होगा, मोस्ट ऑफ दी अगर मैं बात करूं तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कॉर्ड ट्रेसिंग का जो टॉपिक है अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो उन्हें कुछ इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसे के वैसे ही याद करने होंगे। अगर आप पुणे की मैं बात करूं तो पुणे वाले को मैं ऑलरेडी कॉर्ड ट्रेसिंग का टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करके मैंने स्टार्ट किया है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में अगर बैठ जाएगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों जहां पे भी आपका कॉ का इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाई दिया, एक्स रेस टू 2/3, वाई रेस टू 2/3, इस तरह से अगर आपका कॉ का इक्वेशन दिखाई दिया तो दोस्तों उस टाइम पे आपको अपना कॉ इस तरह से फ्रेम करना है। दोस्तों यहां पे देखो मैं जिस तरह से बना रहा हूं ये इस तरह से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब यहां पे 1.0 है और यहां पे दोस्तों क्या है 0.a है। अब दोस्तों यहां पे अगर इस तरह से आपका इक्वेशन है तो आपका कर्व हमेशा, अब देखो यहां पे हमारा प्लस है तो आप प्लस वाले साइड में एक्स के चले जाओ। ये देखो मैं एक्स के प्लस वाले साइड में चले जा रहा हूं। अब मैं एक्स के प्लस वाले साइड में जा रहा हूं तो दोस्तों यहां पे थीटा विच इज इक्वल टू 0 होगा, यहां पे थीटा विच इज इक्वल टू पाई होगा और आपको पता होना चाहिए ए ए है और यहाँ पे वैल्यू क्या है दोस्तों 2a है। अगर मैं यही अगर दोस्तों ये देखो मेरा कॉस माइनस में है तो मेरा ये कॉ का इक्वेशन इस तरह से होगा और ये ऑलरेडी कॉ ट्रेसिंग वाले में मैं भी इसके ऊपर एक लेक्चर लेने वाला हूं बताने वाला हूं। पर जो स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो उन्हें इस तरह से कॉ पूरी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना, चाहे अगर आप पुणे के भी हो अगर आप कॉ ट्रेसिंग का टॉपिक भी पढ़ोगे फिर भी आपको कॉ का एक क्वेश्चन एटलीस्ट अपने दिमाग में बिठा लेना है फॉर रेक्टिफिकेशन, इसके सम को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे आपको पता है कि थीटा विच इज इक्वल टू 0 है, यहां पे आपको पता है कि थीटा विच इज इक्वल टू पाई है, ये आपको पता है ए है, ये भी ए है और यहाँ पे क्या 2a है। मैं भी प्लस और माइनस नहीं दे रहा हूं। अब दोस्तों अगर यहाँ पे यही सेम इक्वेशन साइन के टर्म में चले जाएगा तो हमारा जो यहाँ पे जो डायग्राम है वो वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो आपको पता है ये ऊपर साइड में y प्लस होता है तो आपका ये इक्वेशन इस तरह से ऐसा कुछ यहाँ पे डायग्राम बन जाएगा। और वही अगर हमारा सपोज माइनस है तो दोस्तों माइनस वाला डायग्राम हमारा इस तरह से, यहां से इस तरह से ऐसा। तो इस तरह से आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए आपके डायग्राम का कि किस तरह से आप देखो ये इक्वेशन, ये भी हमने ऑलरेडी डबल इंटीग्रेशन में भी इसके बारे में बात किया है, कॉर्ड ट्रेसिंग में हमने इसका इक्वेशन ड्रॉ किया है। बट आपको नहीं पता है तो आप याद रखना कि इस तरह के कॉ को हम लोग हमने ऑलरेडी ये डबल इंटीग्रेशन में भी इस तरह का कॉ देखा और यहां पे से जो टेंजेंट पास होगा दोस्तों ये देखो ये जो टेंजेंट पास होगा यहाँ पे थीटा विच इज इक्वल टू पाई बाय 4 आएगा, तो ये भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे इसका भी इक्वेशन आपको पता है कि अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में है, आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में दिया और आपको रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में कोई सम आ रहा है तो उसका डायग्राम ये है। देखो यहाँ x माइनस 2 है, x माइनस 5 है, तो देखो यहाँ पे पहला वाला जो पॉइंट है 2a कॉमा 0 है और दूसरा वाला पॉइंट है 5 कॉमा 0। बहुत अच्छे से आपके दिमाग में अगर आपका इक्वेशन इस तरह से आ रहा है, देखो x x माइनस a स्क्वायर, तो दोस्तों देखो यहाँ पे इस तरह से आपको ये देखो आपका जो लूप है पूरा यहाँ पे टच है और आपको यहाँ पे वाले पॉइंट को 3a कॉमा 0 लेना है। तो इस तरह से कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो बहुत अच्छे से आप ये टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसका भी इक्वेशन आप ये वाला है, ये भी आप अपने दिमाग में रखो। एंड दोस्तों देन इसके बाद अगर इस तरह से आपका कोई भी कर्व आ रहा है ए वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, अगर इस तरह से कोई भी कर्व आ रहा है तो इस तरह के कर्व को दोस्तों आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। तो याद रखना ये कुछ चीजें हैं देखो जिसमें से मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम के लिए क्या क्या आपको याद रखना है, एटलीस्ट एक ये याद रखो। देन लूप वाले अगर आप याद कर पा रहे हो ये दो आप अच्छे से दिमाग में अच्छे से बिठा लो। देन ये वाला तो मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में बैठ गया है कि आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि आपने ऑलरेडी डबल इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो वहां पे भी आपने सॉल्व किया है। एंड ये वाला ये दो आप एटलीस्ट अपने दिमाग में बिठा लो, ये दो नहीं बिठाओगे तो भी चलेगा और एक ये बिठा लो। इतनी चीजें अगर आपको पता होगी ना तो कल जब भी अगर आपका जब एग्जाम होगा तो बहुत ही बल्ले बल्ले हो जाएगी और बहुत मजा आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं सबसे पहले। हाँ देखो यहाँ पे ये देखो ये रीजन है, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना तो मैं देखो x1 से x2 जा रहा हूं तो अंदर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ, देखो यहां पे dx है ना तो यहां पे dy बाय dx आएगा और उसका होल स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही इक्वेशन यूज करेंगे। कुछ केसेस में अगर समझो मेरा लिमिट y1 to y2 है और यहां dy है तो हम अंदर क्या लेंगे दोस्तों dx और यहां पे क्या हो जाएगा dy का होल स्क्वायर। पोलर फॉर्म में कैसे जाएंगे थोड़ी देर के बाद वो भी बताऊंगा, पर अभी आप एटलीस्ट ये वाला एक दिमाग में अपने बिठा लो।
अब देखो इससे रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, यहां पे हमें कर्व दिया है। अब अगर आपने अपने दिमाग में कर्व को बिठा लिया है तो आप तुरंत देखो 2/3 वाला कर्व आप तुरंत ड्रॉ कर दोगे, तुरंत आपको पता है और आपको पता होना चाहिए कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तुरंत यहां पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, ए कॉमा जीरो, और यहां पे क्या लिखोगे, जीरो कॉमा ए। अब यहां पे बारिश हो रहा है क्या बाहर? अब यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे मौसम बहुत खराब है, अब कभी भी ये लाइट जा सकता है, अब लाइट गया तो फिर लेक्चर खराब हो जाए, एटलीस्ट कम से कम पहला क्वेश्चन हो जाए जिससे आपको रिविजन के लिए बहुत हेल्प हो जाए। अब दोस्तों यहां पर देखो जो भी हमारा इक्वेशन है, अब मैं थोड़ा फटाफट इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाए। हाँ अब देखो इसे मैं सॉल्व करूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं इसे एक्स सॉल्व करूंगा तो ये 2/3 एक्स रेस टू, 2/3 माइनस वन कितना आएगा दोस्तों, माइनस 1/3, देन यहाँ पे 2/3 वाई रेस टू, 2/3 माइनस वन माइनस 1/3, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट है दोस्तों इसका जीरो आएगा। और उसके पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है दोस्तों तो यहाँ वाई आया, तो आपको यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा टर्म लेना होगा क्योंकि यहाँ पे x आना चाहिए था, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये बैड फंक्शन हो गया, इसलिए डीवाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा टर्म आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो 2/3 कॉमन लिया, देखो यहाँ पे कॉमन लिया और अंदर क्या बचा, x रेस टू माइनस 1/3, y रेस टू माइनस 1/3 और डीवाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू जीरो, देन x रेस टू माइनस 1/3 प्लस y रेस टू माइनस 1/3 डीवाई डी एक्स Which is equal to zero. अब देखो ये पूरा का पूरा पार्ट वहां जीरो के यहां पे है तो जीरो हो गया, तो बस इतना बचा। अब फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो y raised to 1/3 dy by dx which is equal to, ये वाला टर्म वहां जाएगा तो माइनस होगा, माइनस 1/3। अब दोस्तों अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx which is equal to माइनस x raised to माइनस 1/3 और ये y raised to माइनस 1/3, देन dy by dx which is equal to, दोस्तों आपको इंडाइसिस का एक रूल पता होगा कि जब भी ये वाला टर्म नीचे जाएगा तो इसका जो पावर है प्लस हो जाएगा, तो देखो मैं एक्स वाला नीचे भेज रहा हूं तो इसका पावर 1/3 प्लस में हो गया, और वैसे ही ये वाला टर्म भी ऊपर भेजूंगा तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर 1/3। देन दोस्तों यहां पर यह पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब यह पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको सॉल्व करना है, एस का वैल्यू निकालना है क्योंकि हमें पूछा है कि टोटल लेंथ ऑफ आर्क, तो सबसे पहले मैं इस वाले आर्क का वैल्यू निकालूंगा और फाइनली मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो मैं एस वन का अगर सपोज मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, इसे मैं एस वन ले रहा हूं, तो अगर मैं यहां पर लिमिट लू, लिमिट मेरा एक्स वाला लिमिट देखना है मुझे, एक्स का यहां पर ए है और यहां पर अगर मैं देखू तो जीरो है, तो ए टू जीरो हो गया। एंड दोस्तों इसके बाद अंडर रूट ऑफ यहां पर क्या आएगा, 1 प्लस डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और यहां पे क्या आएगा दोस्तों डीएक्स। देन दोस्तों अगर आप देखोगे तो ए टू जीरो, बहुत आराम से आप इसका आंसर निकाल दोगे, 1 प्लस। अब देखो यहां पे डीवाई बाई डीएक्स अगर आप इसका वैल्यू लोगे तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस वाई 1/3 और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स 1/3 और यहां पे स्क्वायर है और यहां पे क्या है दोस्तों, डीएक्स है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो जीरो टू ए, अब देखो यहां पर अगर सॉल्व होगा तो ये 1 प्लस। अब देखो दोस्तों ये माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, माइनस 1 है तो उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाई रेस टू 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 और एक्स रेस टू 2/3 और यहाँ पे दोस्तों डीएक्स। फाइनली अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं, अब मुझे ऐसा लगेगा कि आप रेक्टिफिकेशन के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे 0 to a, और अभी तक मैंने आप स्टार्टिंग में जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की तो बहुत इजी आपके दिमाग में हो गया होगा कि हाँ यार रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन को तो इस तरह से सॉल्व करना है। ये देखो ये वाला पार्ट यहां पे गया तो ये 2/3 हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, ये भी 2/3 और नीचे क्या हो गया 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया एंड देन यहां पर गया दोस्तों डीएक्स। अब दोस्तों अगर आप देखोगे ये वाला टर्म इक्वल टू अपना क्वेश्चन है, चेक कर लो इक्वल टू अपना क्वेश्चन है, देखो यहां पर एक्स 2/3 वाई 2/3 विच इज इक्वल टू ए 2/3, तो मैं वहां पर इक्वल टू ए 2/3 लिख सकता हूं, तो फाइनली मैं यहां पे क्या लिखूंगा 0 to a। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा ए 2/3 और एकदम बच्चे की तरह मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां 0 to a है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो ए 1/3 और एक्स 1/3 ये दोनों का स्क्वायर जो ये 2 स्क्वायर है ना, इसको मैं बाहर ले रहा हूं और डीएक्स ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं क्योंकि ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, लाइट ना जाए यार। 0 to a, देखो मैं इसलिए थोड़ा सा मैं आज फास्ट हूं, थोड़ा सा नहीं तो मैं बहुत और भी स्टेप एक्सप्लेन करता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको सब चीजें समझ में आ रही होगी।
तो फाइनली यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए 1/3, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स 1/3, और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों dx, क्योंकि ये स्क्वायर और रूट कैंसिल। अब फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0 to a, ये देखो a 1/3 कॉन्स्टेंट हमें बाहर ले लिया, और ये x अगर ऊपर जाएगा तो -1/3 dx हो जाएगा। अब यहां पे a 1/3 है, यहां x रेस टू n का मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो x रेस टू 1 जो भी n प्लस 1 है, और यहां पे क्या आएगा n प्लस 1, और होल रेस टू दोस्तों क्या आएगा जो भी लिमिट है। अब यहां पे मैं लिखूंगा a रेस टू 1/3 इनटू, अब देखो एक बार मैं यहां पे a पुट कर रहा हूं, मैंने लिमिट लिखते टाइम अलग लिख दिया, एक सेकेंड, देखो यहां पे, यहां मेरा a टू 0 था, मैं फाइनली जस्ट मैंने उल्टा लिख दिया, तो उसको आप सीधा कर सकते हो। अब आप लिखते टाइम यहां a टू 0 था, तो इसे आप a टू 0 ही रखो, a टू 0 ही रखो, a टू 0 ही रखो, और a टू 0 ही रखो, क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा है लाइट न चले जाए। यहां पे भी आप a टू 0 ही रखोगे, यहां पे भी आपका a टू 0 ही होगा। तो फाइनली दोस्तों लास्ट स्टेप में अगर आप जाओगे तो यहां पे भी आपका लिमिट क्या आएगा दोस्तों, यहां पे 0 आएगा और यहां पे a आएगा। अब अगर आप यहां पे देखो, मैं पुट कर रहा हूं, 0 पुट करूंगा, 0 रेस टू कुछ भी हो 0 होगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत है तो लिखो। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं a पुट कर रहा हूं, तो a रेस टू, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो a रेस टू, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे -1/3, इसको अगर सॉल्व करोगे तो -+2/3 आएगा। यहां पे क्या आएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करो, देखो -1+3/3 तो 2/3, तो फाइनली यहां पे क्या आएगा 2/3। देखो मैंने यहां पे x की जगह पे a रखा, देन यहां पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं, तो इसे अगर सॉल्व करते टाइम यहां पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 2/3। अब फाइनली ये भी हो गया। अब ये होने के बाद अगर मैं इसे सॉल्व करूं, तो दोस्तों देखो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ये 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 3/2, ये a रेस टू 1/3, और ये माइनस साइन बाहर आ गया, 0 का कुछ मतलब नहीं है, और a रेस टू 2/3। अब फाइनली मैं क्या कर सकता हूं, ये माइनस ऐसे ही रखता हूं, और ये इसको सिंगल ए में कन्वर्ट करूंगा, और इंडाइसेस का रूल अप्लाई करूंगा। इंडाइसेस का रूल आपको पता होगा, a रेस टू m, a रेस टू n, विच इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n, ये इंडाइसेस का रूल है। तो आप 1/3 और 2/3 को अगर प्लस करोगे, तो दोस्तों यहां 3 आएगा, और 1+2 फाइनली कितना आ जाएगा 3/3। तो फाइनली यहां पे 3/3 मतलब 1, तो मतलब यहां पे आंसर क्या आएगा, यही आंसर रहेगा। और हमें क्या करना है, टोटल लेंथ फाइंड आउट करना है। ये मैंने एक आर का लिया है टोटल, देखो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड, देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है दोस्तों, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ कर्व। अब टोटल लेंथ कर्व का अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने एक ही कर्व का लिया है, और मुझे अगर टोटल लेंथ फाइंड आउट करना है, टोटल लेंथ विच इज इक्वल टू 4s1, 4 × s1 का आंसर हमारा ये आया था दोस्तों। और तो यहां पे हम जब भी लेंथ की बात करेंगे तो प्लस में रहेगा, तो फाइनली यहां पे मैं प्लस वाला ही वैल्यू ले रहा हूं 3/2a, तो फाइनली अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, तो यहां पे आंसर कितना आएगा 6 से। तो फाइनली ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन को। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जरूर हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर देखो क्या लिखा है, सो दैट, मतलब यहां पे हमें आंसर पहले से ही दिया है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ कर्व, हमें देखो इसका इक्वेशन दिया है, जो भी इक्वेशन दिया है यहां पे मैं लिख रहा हूं a y स्क्वायर विच इज इक्वल टू x क्यूब। थोड़ी देर पहले मैंने इसका भी आपको बताया, फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट समथिंग दिया है, और उसका आंसर ये आना चाहिए। अब थोड़ी देर पहले अगर आप पीछे जाते हो, तो देखो भाई मैंने बताया था, देखो ए वाई स्क्वायर एक्स क्यूब का हमेशा कर्व ऐसा होगा, तो देखो हमें इस तरह से इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेना, इसलिए आप कुछ चीजों को अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो यहां पे इन्होंने सो दैट द लेंथ ऑफ एन समथिंग ओरिजिन टू द पॉइंट हुज एब्सिस, समझो मैंने यहां पे कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, क्यू कंसिडर कर लिया, और अब मुझे यहां पे इसका एब्सिसा पता है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब क्या होता है दोस्तों एक्स कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन मतलब आपको पता है 0,0। अब दोस्तों यहां पे जब मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो आपको पता है कि मुझे बस एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है, तो वाई नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, वैसे आपको वाई निकालना है तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहां से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा x क्यूब अपॉन x की जगह पे ये
बी आ जाएगा, तो बी क्यूब अपॉन ए आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा, तो बी क्यूब अपॉन ए और वो अंडर रूट में रहेगा। तो वैसे उसका कुछ मतलब नहीं है क्योंकि बस आपको x का वैल्यू चाहिए, तो आपको 0 टू b मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं। बस इसका आप डेरिवेटिव फास्ट ले लो, देखो इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ ये वाले टर्म का, तो यहाँ पे अगर मैं लूँ तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो a ऐसे ही होगा, ये 2y होगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy by dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x square। फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों dy by dx which is equal to 3x square। ये देखो ये वाला टर्म पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2ay, तो ये हमें पूरा का पूरा दोस्तों मिल गया, ये पूरा का पूरा हमें मिल गया। ये मिलने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, अब समझो मैं कर्व सॉल्व कर रहा हूं, अब कर्व को मैं लेंथ ऑफ ए कर्व को मैं एस वन ले रहा हूं या एस ले रहा हूं, जो भी ले रहा हूं। अब यहां पे देखो मैं लिमिट ले रहा हूं, लिमिट मेरा क्या है जीरो है, जीरो से क्या लूंगा बी लूंगा, क्यों मैं जीरो ले रहा हूं जीरो, जीरो से मैं क्या ले रहा हूं बी ले रहा हूं। अब ये अंडर रूट में आएगा दोस्तों, अंडर रूट में क्या आएगा वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो डीवाई बाई डी एक्स है दोस्तों अपने पास, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपका टाइम बचेगा। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2ay और यहां पे होल स्क्वायर, और दोस्तों यहां पे आपको पता है क्या आएगा dx आएगा। अब फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो s1 which is equal to 0 to b अंडर रूट, बहुत आराम से सॉल्व करना, देखो 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 9, x का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों x raised to 4 क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 4, a का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों a स्क्वायर, और y का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों y स्क्वायर। देन इसके बाद अब देखो आपको क्या करना है, अब ये होने के बाद दोस्तों आपको यहां पे देखो s1 which is equal to 0 to b और अंडर रूट ऑफ समथिंग दिखाई दे रहा है, ये देखो 1 प्लस ये 9 x रेस टू 4 ऐसे ही आएगा, यहां 4 ए स्क्वायर ऐसे ही आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहा हूं, देखो यहाँ वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा दोस्तों एक्स क्यूब बाय ए, तो वाई स्क्वायर की जगह पे मैं ये वैल्यू रख दूंगा, तो वाई स्क्वायर की जगह पे मैं रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब बाय ए, और यहाँ पे दोस्तों क्या है यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है डी एक्स है। अब देखो ये इसमें से एक्स क्यूब मतलब इसमें से 3 गया तो मतलब एक एक्स बचा, यहां से ए और यहां से एक ए बचा, तो फाइनली ये एस वन 0 टू बी बहुत ही आराम से सॉल्व करना है, 1 प्लस ये क्या होगा दोस्तों 9 होगा, ऊपर x बचा, यहां पे दोस्तों 4 बचा और यहां पे a बचा, और ये क्या हो गया दोस्तों dx हो गया। अब यहां पे जो भी टर्म आपका बचा है 9 बचा है 9x है 4a है उसको आपको t ले लेना है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टी लेना है तो टी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना तो एक्स ले लो। अगर सपोज मैं विथ रिस्पेक्ट टू टी सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पे 1 का 0 आएगा, 9 बाय 4 वैसे ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, a भी वैसे ही आएगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। पर अगर मैंने विथ रिस्पेक्ट टू टी लिया है तो दोस्तों यहां पे dx बाय dt एक्स्ट्रा टर्म आएगा और यहां t का 1 आएगा। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो मुझे यहां dx अकेला रखना, तो dx यहां अकेला है और ये 4a वहां पे चले जाएगा, 9 वहां पे नीचे आ जाएगा और ये dt भी उधर चले जाएगा, तो फाइनली मैंने ये इसका आंसर यहां से निकाला। और जब भी हम सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं दोस्तों उस टाइम पे अपना लिमिट यहां पे चेंज होता है, तो इस समय हमारा जो x का लिमिट है दोस्तों 0 है और दोस्तों एक लिमिट x का b है, देखो 0 और b है, हमें किसके टर्म में कन्वर्ट करना है दोस्तों t में कन्वर्ट करना है, तो t का जो मेरा लिमिट होगा, अब देखो यहां पे अगर ये 0 है, अगर मैं यहां 0 पुट कर रहा हूं तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा पर 1 बच रहा है, तो फाइनली t इक्वल टू 1 हो गया। अगर सपोज यहां पे b है, अगर मैं यहां पे b रख रहा हूं तो यहां पे फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस 9b अपॉन 4a, भाई ये इतना बड़ा लिमिट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर मेरे क्वेश्चन को चेंज करूं तो देखो मेरा क्वेश्चन अब किस तरह से चेंज होगा, s1 विच इज इक्वल टू, देखो यहां पे 0 है पर यहां पे अब कितना आ जाएगा 1, और यहां पे दोस्तों क्या आएगा 1 प्लस 9b अपॉन 4a। अब यहां पे दोस्तों अंडर रूट में ये पूरे को हमने क्या ले लिया है, पूरे को हमने अगर यहां पे देखो पूरे को हमने क्या ले लिया t, dx की जगह पे क्या आएगा दोस्तों ये वाला टर्म 4a अपॉन 9 और dt। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो अब किस तरह से सॉल्व होगा, अब यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालू दोस्तों तो अगर अंडर रूट x का इंटीग्रेशन क्या आता है तो याद रखना 2 बाय 3 एक्स रेस टू 3 बाय 2, पर यहां पे x नहीं है तो 2 बाय 3 टी रेस टू
थ्री बाय टू, ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, वन प्लस नाइन बी अपॉन फोर ए, और यहां पे दोस्तों क्या है वन है, और एक्स्ट्रा टर्म आपका यहां पे बचा हुआ है तो वो आप बाहर ले लो, यहां पे ले लो फोर ए और नाइन। अब देखो दोस्तों ये फोर ए और नाइन तो ऐसे ही रहेगा, अब देखो यहां पे टू बाय थ्री, ये देखो t की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं वन प्लस नाइन बी अपॉन फोर ए। इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने के बाद बहुत सारे लोग के हालत खराब हो जाते हैं कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा। अब देखो वन पुट कर रहा हूं, टू बाय थ्री, वन थ्री बाय टू, मतलब ऊपर वाला चाह रहा है कि आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूं, इसलिए लाइट नहीं कट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है कि बाहर मौसम बहुत खराब चल रहा है। तो फोर ए अपॉन नाइन, और अगर इस तरह से अगर लाइट रहेगा तो कल मैं ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स के छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको दे दूंगा। अब दोस्तों ये टू बाय थ्री है, अब देखो टू बाय थ्री मैं बाहर ले ले रहा हूं, अगर आप देखोगे तो टू बाय थ्री दोनों में तो बाहर आ गया, तो फाइनली यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या आएगा वन प्लस नाइन बी अपॉन फोर ए रेस टू थ्री बाय टू, और यहां पे भी दोस्तों वन आएगा क्योंकि वन रेस टू कुछ भी वन होता है। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो एट ए हो जाएगा, और यहां पे दोस्तों ट्वेंटी सेवन हो जाएगा, और फाइनली वन प्लस नाइन बी फोर ए रेस टू थ्री बाय टू माइनस वन। अगर आप चेक करोगे तो भाई मेरे को लग रहा है कि आपका आंसर यही होना चाहिए, देखो आपको यही प्रूफ करना है, देखो यहां पे आप देखोगे तो इसी तरह का आपको प्रूफ करना है। अब एक और क्वेश्चन मैं ले ले रहा हूं, जिससे कि आपको अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे हैंडल कर लोगे, तो थोड़ा सा वेट करो, एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो लगभग हमने दोनों टाइप कवर कर लिया। अब आप अगर रेक्टिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अब यहां पे इसका अगर आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ये सही है क्या डायग्राम? अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम मैंने प्लस वाले साइड में बनाया, तो ये वाला डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने हमें कौन सा वाला साइड चाहिए दोस्तों, माइनस वाला। तो रूल वाइज आपको डायग्राम ऐसे और ऐसे आपको डायग्राम बनाना है। अब जब आप डायग्राम बनाओगे तो यहां पे याद रखना एक कर्व थोड़ा सा दिखना चाहिए, इस तरह से कर्व। अब यहां पे आपको पता है कि थीटा विच इज इक्वल टू जीरो, और यहां पे आपको पता है कि थीटा विच इज इक्वल टू पाई है। तो दोस्तों जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखो आर विच इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। अब देखो आर इक्वल टू ए ए कॉस थीटा, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो डी आर बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा और यहां पे ये ए रहेगा, कॉस थीटा का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो माइनस साइन थीटा, तो फाइनली डी आर बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ए साइन थीटा। ये आपको सबसे पहले निकाल लेना है, अगर कभी भी अगर आपका थीटा टर्म में आ रहा है तो ये आपको निकाल लेना है। देन इसके बाद आप जब आप वैल्यू निकालोगे दोस्तों तो आप कैसे निकालोगे, यहां पे देखो आप पहले यहां थीटा के वैल्यूज लिखो, अगर आपको पता है कि थीटा जीरो से लेके पाए है तो यहां पे आपने जीरो लिखा फिर पाए लिखा, और दोस्तों आपको पता है कि ये थीटा है तो यहां पे भी डी थीटा आएगा, और अंदर अब थोड़ा सा चेंजेस आएगा बाकी के कंपेरिजन में। अंदर जब ये देखो ये थीटा का वैल्यू है, इसके पहले हम एक्स वन एक्स टू लेते थे, तो ये समझ जाओ पोलार की तरह है। तो यहां पे आपको पहला आर स्क्वायर लेना है, और दोस्तों इसके बाद आपको डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर लेना है, ये याद रखना आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर बाय, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जैसे आपने पीछे जो आपने इसके पहले कार्टिशन हम एक्स वाई के फॉर्म में जा रहे थे तो वहां पे हम सॉल्व कर रहे थे, पर अभी हमारा थीटा के फॉर्म में सॉल्व कर रहे, तो इस तरह से होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एस वन विच इज इक्वल टू, देखो जीरो टू पाई हमने लिख दिया। अब यहां पे देखो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, आर का हमें पता है आर इक्वल टू क्या है ए और ये, तो दोनों को स्क्वायर ले लो, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और वन माइनस कॉस थीटा का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, मतलब ये दोनों को स्क्वायर दे दिया, प्लस डी आर बाई डी थीटा हमने निकाला है दोस्तों, इसको भी स्क्वायर दे दो तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो ये आपने याद कर लिया, तो इसलिए मैं आपको पोलार फॉर्म भी सिखा दे रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे जीरो टू पाई है, अब जीरो टू पाई ए ए स्क्वायर यहां पे क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो फाइनली यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और दोस्तों साथ में यहां पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला भी पार्ट हो गया और ये आपका डी थीटा हो गया। अब ये जो मैंने ए स्क्वायर निकाला है ये दोनों का है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये वाला ब्रैकेट ले ले रहा हूं, तो ए स्क्वायर दोनों का हो गया। देखो यहां पे स्क्वायर है, ये ऊपर रूट है, तो फाइनली ये ए जो है आपका यहां पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जीरो टू पाए। और अगर मैं फाइनली इसे सॉल्व करूं
यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा मैं स्टेप इंक्रीज कर रहा हूं जिससे आपको सभी को सभी चीजें बेसिक से समझ में आए। अब यहाँ पे एस वन विच इज इक्वल टू ए जीरो टू पाई। अब मैं अगर इसे एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वन का स्क्वायर वन, देन इसका टू ए बी, टू ए कितना है वन है और b कितना है दोस्तों cos थीटा है, देन इसके बाद b का स्क्वायर मतलब cos थीटा का स्क्वायर और फाइनली यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे d थीटा। अगर आप बुक में चेक करोगे तो ये पूरा इतना डीप में आपको लिखा नहीं होगा, डायरेक्ट यहां से देखने के बाद ये सब स्टेप बीच का आपको दिखाई नहीं देगा। देन फाइनली यहाँ पे cos स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे एस वन विच इज इक्वल टू जीरो टू पाए और यहाँ पे ए है। अब आपको एक आइडेंटिटी आपको पता होगा, भले आप अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो पर आपको पता होगा टेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो ये वन माइनस टू कॉस थीटा ऐसे ही होगा और इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों वन। देन इसके बाद अगर मैं इसे सॉल्व करूं, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा एस वन विच इज इक्वल टू ए जीरो टू पाए वन प्लस वन, देखो ये वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू माइनस टू कॉस थीटा और यहां पे क्या आएगा डी थीटा, यहां पे भी डी थीटा रहेगा। अगर मैं चाहूंगा तो यहां पे डायरेक्ट भी आंसर लिख दूंगा पर बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक बीच का स्टेप जो है उनको समझ में नहीं आएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी को सभी स्टेप समझ में आए, तो इसलिए यहां पर एक दो स्टेप मेरा हो सकता है कि ज्यादा हो। अब देखो जीरो टू पाई फिर से मैं टू कॉमन लेके दिखाऊंगा, देखो मैं टू कॉमन ले रहा हूं, फिर अंदर क्या बचेगा वन और यहां पे क्या बचेगा कॉस थीटा और यहां पे क्या बचेगा डी थीटा। अब यहां पे मैंने जो टू कॉमन लिया दोस्तों उसको वैसे ही आप रखो, यहां पे ए है यहां पे जीरो टू पाई है, अब यहां पे ये देखो मैंने टू लिया है और वन माइनस कॉस थीटा, अगर आप इलेवेंथ या ट्वेल्थ में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वन माइनस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे देखो मैं थीटा लिख रहा हूं पर यहां पे अगर फॉर्मूला ऐसा होता तो यहां पे क्या होता है टू साइन स्क्वायर, देखो यहां पे मैंने टू थीटा का क्या लिखा थीटा, तो यहां पे थीटा का क्या हो जाएगा थीटा बाय टू, तो फाइनली यहां पे क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू और यहां पे क्या आएगा डी थीटा और फाइनली टू टू सा कितना होता है दोस्तों फोर, फोर का रूट में अगर मैं बाहर लू तो यहां पर आंसर कितना आएगा टू ए और ये जीरो टू पाए ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली अंदर क्या बचेगा साइन थीटा बाय टू डी थीटा। अब अगर जिसको अगर इंटीग्रेशन आता होगा तो उसे पता होगा कि साइन का इंटीग्रेशन क्या है, मुझे कोई बता सकता है, तो साइन का जो इंटीग्रेशन है ये देखो ये टू ए ऐसे ही रख रहा हूं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में साइन का आंसर माइनस में आता है तो यहां पे दोस्तों क्या आएगा कॉस थीटा बाय टू और थीटा बाय टू जो है बैड फंक्शन है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लू तो फिर से वन बाय टू आएगा और वन बाय टू को मुझे कहां लिखना है अपॉन में लिखना है वन बाय टू, मतलब ये ऊपर आएगा तो यहां टू यहां पे आ जाएगा, आप अपॉन में लिखो फिर आपको देखो ऊपर दिखाई देगा। फाइनली यहां पे लिमिट क्या है पाई टू जीरो। अब मैं क्या कर रहा हूं लिमिट पुट करने के पहले ये माइनस टू बाहर ले ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस फोर ए और अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे पाई पुट कर रहा हूं तो पाई बाय टू कॉस पाई बाय टू कॉस नाइनटी क्या होता है कॉस नाइनटी जीरो होता है, देन अगर मैं यहां जीरो पुट कर रहा हूं कॉस जीरो कितना होता है वन होता है, आप अपने कैलसी से भी चेक कर सकते हो, तो फाइनली यहां माइनस फोर ए है यहां क्या है माइनस वन है तो इसका आंसर कितना है फोर ए। बट हमें क्या निकालना है दोस्तों पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना था, हमने हमें ये दोनों पार्ट का हमें आर्क का लेंथ निकालना था, तो हमने अभी ऊपर वाले का निकाला था नीचे वाला बाकी है, तो अगर आपको टोटल पेरीमीटर निकालना है तो आप इसको क्या कर दो टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा सिमेट्री है फिगर तो आप इसको जस्ट टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर क्या आएगा एट ए आएगा। अब इस तरह से अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजिली किसी भी तरह का कोई भी ग्राफ आता है तो आप बहुत अच्छे से कोई भी डायग्राम्स के ऊपर अगर आपको कोई भी लेंथ निकालने के लिए आता है तो आप बहुत अच्छे से रेक्टिफिकेशन के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। बट अगर स्टार्टिंग का अगर आप मेरा लेक्चर का पार्ट देखोगे जिसके अंदर मैंने बोला कि कौ को अपने दिमाग में बिठा लो, कौ ट्रेसिंग का पार्ट मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आपको आपके सिलेबस में अभी नहीं दिखाई दे रहा पर आप अपने बुक को ओपन करोगे तो पीछे आपको दिखेगा, बट पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आपको कर्व ट्रेसिंग का जो है आपके सिलेबस में है पर आपको सिलेबस में पढ़ने के बाद भी बहुत सारे कर्व आपको अपने से स्टैंडर्ड फॉर्म में याद करने होंगे और बहुत अच्छे से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करो, कोशिश करेंगे हम, और अगर आपका जो भी सिलेबस है पूरा का पूरा प्लेलिस्ट रेडी है आप फटाफट उसे देख लो, अगर आपको जो भी टॉपिक का रिक्वायरमेंट है आप नीचे लिख सकते हो और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती होगी तो आप नीचे बहुत ही अच्छा कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।